एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कसरावत राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ ने अपनी मांग में वन भाग को, विशेषकर जंगली सुअरों को कृषि क्षेत्र से बाहर करे। ईंट भट्टी वालों ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, उसे अतिक्रमण मुक्त करवाए। वर्तमान में बारिश से अधिक फसलें खराब हो चुकी है, उनका सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए। राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों द्वारा किसानों को ऋण दिया गया, उसकी असूलों के दौरान किसानों से अधिक मानसिक पीड़ा देकर परेशान किया जाता है। किसानों के नाम एवं फोटो सार्वजनिक करने तत्काल सख्ती से बंद की जाए। विद्युत मंडल द्वारा किसानों को न्यूनतम वोल्टेज प्रदान किया जा रहा है, उसमें किसानों के विद्युत उपकरण बार बार खराब होते हैं, उन्हें तत्काल सुधार किया जाए। सीसीई सूत मिल 40% नमी मानकर किसानों का कपास समर्थन मूल्य पर अक्टूबर से खरीदी चालू करे। विद्युत बिल पूर्व की तरह कागजी बिल दिया जाए। किसानों के खेत के रास्ते अत्यधिक बारिश के चलते खराब हो चुकी है, उन्हें मरम्मत की जाए। तंबाकू नाल परियोजना की नहर क्रमांक 1 रास्ते में छोड़ दी गई, से किसानों के खेत तक लाई जाए। काम खेड़ा चौकी अंतर्गत क्राइम बढ़ता जा रहा, उसे पुलिस बल द्वारा समाधान किया जाए। पटवारी की गलती के कारण किसानों की भी पुस्तिका उल्टी सीधी लिख दिए गए हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए। कंपनियों द्वारा नकली बीज बेचा रहा, उन्हें भी सख्ती से की जाए। एवं अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी संघ के लोग मौजूद रहे। खरगोन से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। ज्ञापन दे, क्या ज्ञापन दे? इसमें अभी 2 माह से लगातार जो बारिश हो रही है, उसमें हमारी कपास, सोयाबीन, मिर्ची की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उसका या तो मुआवजा दिया जाए, खेतों का सर्वे कराया जाए, और जो कसरावत तहसील के जो ग्राम है उनमें कई समस्याएं हैं पटवारियों की, उनका भी निराकरण किया जाए। एसडीएम साहब ने कहा है कि इनको हमारे जितने भी विभाग की हमारे पास समस्याएं आई है, मैं इस पर चिंतन करके सभी से निपटारा करवाऊंगा। और कृषि अधिकारी को भी दिया गया? कृषि अधिकारी को अभी तो नहीं दिया, एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब को दिया है। क्या नाम है इसका? जगदीश यादव, दुर्गा। घटना को क्या अंजाम दिया जा रहा है? ये कामकेड़ा मुल्ठान की बात है, रवि जी बर्थडे करके कोई है। बिजली कंपनी द्वारा पहले से ही दीवार घर के बाहर जब वो उसका विनिट का जो लगा हुआ व्यवस्था है, उसके बाद में रहकर हर गांव में घर में जाता है, शनाख्त करता है, महिलाओं की शिकायत है, बुरी नजर रखता है। हम उसकी एफआईआर की मांग करते हैं, और इस प्रकार के अधिकारी, ऐसे प्रकार के कर्मचारियों को जो चरित्रविहीन है उनको बाहर करें। 23 सितंबर को जो हमारी खरगोन में रैली है, वो रैली के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि 23 तारीख तक उसका काम काज पूरा लग जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी खरगोन मिष्ठान रोड मंडी में, जहां पर हमारी योजनाएं पूरे देश में एक साथ दिनांक 23 सितंबर को केंद्र सरकार के नाम, राज्य सरकार के नाम, स्थानीय प्रशासन के नाम किसानों को एक बार ऋण मुक्त करें, और उनकी उपज का लागत के आधार पर 50% लाभांश के लिए एक बड़ी रैली के माध्यम से शासन प्रशासन को चेताया जाएगा कि 1 अक्टूबर से सीसीआई खरीदी बगैर शर्त, नमी के बगैर नमी से खरीदने की व्यवस्था की जाए, अन्यथा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ रैली के बाद में अनिश्चितकालीन धरने को बाध्य होगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। क्या नाम आपका? गोपाल पाटीदार, मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री, मुख्यालय भोपाल।